നമസ്കാരം. എന്റെ സുഹൃത്തിനെ കൊന്നവനെ ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച വ്യക്തി, വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന വ്യക്തി, ഇത് മറ്റാരുമല്ല ഉത്തർപ്രദേശിലെ BJP MPയും ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിംഗ്. ഇന്ത്യ ടുഡേ അദ്ദേഹവുമായി നടത്തിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം. कोई महिला इस तरह के गंभीर आरोप क्यों करेगी, और वो भी ओलंपिक रेसलर्स, क्या है, क्या वजह, कुछ तो वजह होगी ना. देखिए, ओलंपिक का मेडल ले लेना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, ये तो अब अदालत फैसला करेगी. लेकिन मेरे जो काम करने के तरीके थे, कुछ लोगों को नहीं पसंद थे. कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर इन लड़कियों को तैयार किया गया, और कांग्रेस के आश्वासन पर इनको तैयार किया गया. नहीं, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं. आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इन महिला रेसलर्स को तैयार किया कि बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाइए. उन्होंने सीधे कहा कि आप आरोप लगाओ, मैं आपकी बेटी को डिप्टी SP बनाऊंगा, मेरी सरकार आएगी. एक कहीं ना कहीं ये भी है ना कि आपकी एक छवि बन गई है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा बाहुबली नेता की. तो जब बाहुबली नेता पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी कि ये वही नेता है जिन पर एक समय में गुंडा एक्ट पर केसेस लगे हैं. टाडा में केस लगा था कि आपने दाऊद के लोगों को संरक्षण दिया. आप पर आपने एक वो भी कांग्रेस के समय में. जी, कांग्रेस के समय में. टाडा जो कांग्रेस के समय 95 में था, कांग्रेस के समय जी. लेकिन ये भी सवाल तब उठा था कि आपने एक इंटरव्यू में लल्लन टॉप, हमारा जो हिंदी वेबसाइट है, वहाँ कहा था हाँ मैंने एक बार गोली चलाई थी. मैंने कहा था चली, मैंने मेरा भाव क्या था, क्रॉस फायरिंग हुई थी. हाँ, हमारे एक मित्र की हत्या हुई थी. हाँ, और उसको मैंने मारा था जिसने हत्या की थी. सेल्फ डिफेंस में कह रहे हैं आपने गोली चलाई थी, क्या ये सही है? क्रॉस फायर में दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हो रही थी, 40 मिनट तक गोली चली थी. पर आप देखिए ना, यही तो है ना कि अगर एक सांसद क्रॉस फायरिंग में तो गोली चलाते हैं, सांसद जो भी है, लेकिन आपके ये CV पर है ना कि ये वो व्यक्ति. तो हम उससे कहाँ मना कर रहे हैं भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम जो है हम बिल्कुल दुनिया के साफ सुथरे आदमी है. हमारे मित्र को कोई मारेगा, हम बैठे हैं तो क्या हम कहेंगे नहीं इनको मार चुके, इनको भी मार दो. आपने नरेंद्र मोदी जी से बात की, इतना जो पिछले एक साल में हुआ, क्या कहा उन्होंने? नहीं, कभी उन्होंने आपसे बात की? नहीं, मैंने बात नहीं की, मैंने बात करने की कोशिश नहीं की. आपने कोशिश नहीं, उन्होंने आपसे कहा? नहीं. जब आपको आपका टिकट काटा गया, उन्होंने आपको फोन किया? नहीं. किसी नहीं, बड़े नेता ने? नहीं, मैंने अपने नेता से बात नहीं की. देखिए, केवल JP नड्डा ने आपको कहा कि आपकी टिकट काटी जा रही है, या किसने आपको कहा? अब चलिए छोड़िए, पर मोदी जी अभी भी आपके नेता है. नेता है. देखिए, मैं योगी जी अभी भी आपके नेता है. मोदी जी है अभी भी आपके. योगी जी बच्चों पर लगाना हो लगा लीजिए, मत फंसाइए मुझको. अब हम है सर करीब बस 15-20 किलोमीटर अयोध्या से. हाँ, ठीक है. राम मंदिर बना है. आपने इस इंटरव्यू में कहा है कि आप बिल्कुल बेकसूर निर्दोष निकलेंगे इस पूरे मामले से. आप राम मंदिर के इस पावन क्षेत्र में है, एक तरह से आप गारंटी दे रहे हमें. एक मोदी की गारंटी तो एक चुनाव में है, क्या ये बृजभूषण सिंह शरण सिंह की गारंटी है कि आप निर्दोष निकलेंगे इस पूरे मामले से? कि आप कह रहे हैं कि कोई यौन शोषण नहीं हुआ, ये सब गलत है, कुछ किसी का कभी आपने कोई मोलेस्टेशन नहीं किया, किसी का हाथ नहीं पकड़ा, कोई पॉक्सो का केस नहीं बनता है, कुछ नहीं हुआ है, राइट? कुछ नहीं हुआ है. झूठ है. सच्चाई सामने आएगी. अगर एक भी प्रकरण साबित हो जाएगा कि हाँ मैंने किसी के साथ कोई शरारत की है, तो स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा. जो मेरा पूर्व का बयान है उसी पर कायम हूँ.